हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ पेट्रोल पंप की हम GSTR1 कैसे रिटर्न फाइल करें। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, पेट्रोल डीजल नॉन GST सप्लाई होता है हमारा, और गाइस हमारा जो लुब्रिकेंट होता है उस पर 18% GST एप्लीकेबल है। तो गाइस, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको GSTR1 आपको समझ में आ जाए। तो गाइस, हमारी जो पेट्रोल और डीजल है वो नॉन GST सप्लाई है, प्लस हमारा जो लुब्रिकेंट है वो हमारा 18% GST एप्लीकेबल होता है। तो गाइस, हमारे पास सेल है पेट्रोल की, पेट्रोल और डीजल की, साथ में हमारा लुब्रिकेंट जो हमारा सेल हुआ है, तो दोनों ही सेल हमारे पास है जो टैली में है। तो गाइस, अब हम सबसे पहले अपना जो फाइल रिटर्न है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फाइनेंशियल ईयर हमारा 19-20 है, रिटर्न फाइलिंग पीरियड हमारा नवंबर है। हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो दिसंबर में नवंबर की रिटर्न फाइल करेंगे। तो गाइस, इसको हम सर्च करेंगे। सर्च पे जाने के बाद, सर्च करने के बाद हम GSTR1 पर जाएंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में GSTR1 रिटर्न फाइल सीखेंगे। तो ये हमने सर्च कर दिया है। अब उसके बाद डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। गाइस, उसके बाद हमारी ये B2B पहला जो हमारा कॉलम है, तो B2B हमारी कोई भी सेल नहीं है इसमें, और B2C लार्ज इसमें भी कोई नहीं है। क्रेडिट डेबिट नोट इसके नहीं है हमारे पास, क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, तो ये भी इस कंडीशन में अप्लाई नहीं होते हैं जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं पेट्रोल पंप की। एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस हैं इस कॉलम में, तो ये भी हमारा नहीं है। अमेंडमेंट B2C लार्ज इन्वॉइसेस नेक्स्ट कॉलम है, अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस, अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट, अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। अब गाइस, उसके बाद हमारी B2C अदर्स। तो गाइस, B2C अदर्स जो है हमारी लुब्रिकेंट सेल हुआ है, जो हमने B2C सेल किया है। तो गाइस, चलते हैं अपने टैली पर। टैली पर जाने के बाद हम खोल लेते हैं अपना P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1/11/2019, 30/11/2019। तो गाइस, ये हमारा नवंबर मंथ का जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये खुल चुका है, ओपन हो चुका है। अब उसके बाद सेल अकाउंट में जाएंगे। सेल अकाउंट में जाने के बाद हमारा जो लुब्रिकेंट सेल हुआ है GST में, तो ये B2C हुआ है, तो हम सिलेक्ट करेंगे अपना उत्तर प्रदेश, जिस भी स्टेट में आपका पेट्रोल पंप स्थित है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में है, UP में है, और उसके बाद हम टैक्सीबल वैल्यू इसमें हम डाल देंगे। तो गाइस, हमारी जो टैक्सीबल वैल्यू है ये है 22,292। अब उसके बाद रेट तो मैंने पहले ही बता दिया, जो लुब्रिकेंट होता है उस पर 18% GST एप्लीकेबल होता है, तो ये हमारा 18% है। तो इस पर CGST हमारा 2,006.37 रुपये और हमारा SGST भी सेम है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, जो हम कैश में सेल करते हैं तो ये कभी भी हम पॉइंटों में नहीं लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए हमारे 37 पैसे है तो हम कैश में उसे पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि हम राउंड फिगर में करते हैं। तो गाइस, इसको हम सेव कर देंगे B2C में। अब उसके बाद हमारी आती है निल रेटेड सप्लाई, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो गाइस, इसमें है हमारा इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, इसमें निल रेटेड सप्लाई एग्जाम्ड अदर दैन निल रेटेड नॉन GST सप्लाई और हमारी नॉन GST सप्लाई। तो गाइस, हमारा पेट्रोल और डीजल जो सेल हुई है वो नॉन GST सप्लाई है हमारी, ये इंटर स्टेट, उसके बाद है इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, उसके बाद है इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो गाइस, हमारी जो है वो है इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो गाइस, पेट्रोल पंप पर जो हम पेट्रोल डीजल सेल करते हैं वो कभी भी हमारा इंटर स्टेट नहीं होता है, तो ये इंट्रा स्टेट है और हमारी नॉन GST सप्लाई है। तो गाइस, ये हमारी जो सेल हुई है लोकल सेल नॉन वैट गुड्स, तो इसमें हम
टैली में से जो हमारी सेल हुई है पेट्रोल डीजल की, तो इसमें हम डाल देंगे 5615269.68। तो ये हमारी पेट्रोल डीजल की सेल हुई है। तो गाइस उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो लुब्रिकेंट की सेल थी वो हमने B2C में ऑलरेडी डाल दी है। फिर उसके बाद हमने जो पेट्रोल और डीजल की नॉन GST सप्लाई है वो भी हमने इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन में डाल दी है। डालने के बाद गाइस आपको जनरेट GST या वन समरी पर क्लिक करना है। उसके बाद 20 मिनट का इसमें टाइम लगेगा। फिर उसके बाद ये आपकी जो आपने सेल डाली है B2C और हमारी जो नॉन GST सप्लाई की जो हमने डाली है पेट्रोल डीजल की, तो गाइस वो जनरेट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर टिक मार्क करना आई एक्नोलेज दैट आई हैव, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो गाइस आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपको सबसे पहले DSC लगाने हैं। DSC लगाने के बाद आपको सिलेक्ट करने हैं जिसके भी आपने DSC लगाए हैं। DSC सिलेक्ट करने के बाद आपको रिटर्न फाइल कर देनी है। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको अपनी पेट्रोल पंप की रिटर्न फाइल करनी है जिस प्रकार मैंने आपको बताई है। तो पेट्रोल पंप में गाइस सबसे पहले हमारी जो लुब्रिकेंट सेल होती है, उसके बाद हमारी जो पेट्रोल और डीजल, यही तीन हमारे सेल होते हैं पेट्रोल पंप पर, हमारे पेट्रोल डीजल और लुब्रिकेंट जिसे हम इंजन ऑयल भी कहते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।